Hello friends, this is Shivam and today in this video I will teach you about how to convert any image into PNG. कैसे किसी भी इमेज को PNG में कन्वर्ट करें आज इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आपको फोटोशॉप की जरूरत नहीं है, बस चाहिए एक फ़ोन, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे किसी भी नॉर्मल इमेज को कैसे पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, ठीक है। तो एक फ़ोन का ऐप है जिसका नाम है लाइट एक्स, ठीक है। तो इस ऐप में बहुत सारी फीचर्स ऐसी है जो ऐसी फीचर्स आपको दूसरे ऐप में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ना ही फीचर आपको स्नैपचैट में देखने मिलेगी, ना ही लाइट रूम में देखने मिलेगी और ना ही फोटोशॉप में देखने मिलेगी। ये सब मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन की ऐप की, ठीक है। तो इस फीचर में एक सबसे बेहतरीन फीचर ये है कि आप किसी भी इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस ऐप की मदद से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कैसे वो हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐप को ओपन कर लेंगे। ये आप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, बट आपको वहाँ से इसको डाउनलोड नहीं करना है। इसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करना है। तो ऐसा क्यों करना है वो आपको वीडियो में बताते हैं। तब तक पहले देखते हैं एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे पीएनजी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। कैसे पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल इमेज को, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे कि नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, एल्बम, कैमरा, सर्च, पैटर्न एंड कलर का, ठीक है। तो जो इमेज हमको एडिट करना है उसको हम पहले गैलरी से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ एल्बम में जाके हम सिलेक्ट कर सकते हैं फ़ोटो को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी ही फ़ोटो को ली है, ठीक है। तो अब इस फ़ोटो को हम पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा वाइटिश है, ओके। तो इसको हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने का मतलब ये है कि किसी भी इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट करना, ठीक है। पीएनजी का मतलब क्या होता है कि वैसा इमेज जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। तो इस इमेज को हम पीएनजी में कन्वर्ट करने वाले हैं अभी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक पेंसिल जैसा ऑप्शन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे है क्रिएटिव में जाएंगे, यहाँ पे एक कटआउट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे हम, ओके। तो ये सिलेक्ट कर लिए हम। अब यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में एक एरो का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जूम के नीचे ऑप्शन है, नीचे जूम है, जूम के ऊपर एक ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करेंगे पहले वाले पे। तो क्या होगा उसमें हमको दिखेगा, जो हम सिलेक्ट किए हमको बस वो एरिया दिखेगा, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है कि बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। बट अभी पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ, इसको भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि इसका एजेस जो है वो सही से कट आउट हुआ है कि नहीं। तो इसको जूम करके, जूम पे क्लिक करके जूम करके देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एजेस शार्पली कट हो चुका है खुद ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एजेस जो है, एजेस के साथ साथ इमेज भी थोड़ा कट हो गया है। तो उसको वापस से लाएंगे। तो उसको लाएंगे कैसे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक ब्रश का ऑप्शन मिलेगा। उस ब्रश के मदद से इसको हम पहले थोड़ा रेडियस कम कर देते हैं, ओके। इस ब्रश के मदद से इसको हम पहले फिल करेंगे, तो यहाँ फिल कर देते हैं पहले, ओके। तो ये फेल हो गया, ठीक है। अब जो बाकी ऊपर जो एजेस दिख रहा है वाइट उसको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करेंगे कैसे, यहाँ पे ऑप्शन है मैजिक इरेज का, इसको सिलेक्ट करेंगे, इरेडिस इसका स्ट्रेंथ कम कर देंगे और फोटो को हल्का जूम करेंगे, ठीक है। और उसको हल्का बस उसके ऊपर ऐसे मूव करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो जो वाइट आउटलाइन है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हल्का हाथ से करना होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि फिंगर के पास का थोड़ा एरिया रिमूव हो गया। तो उसको फिल करेंगे, थोड़ा मेहनत वाला काम है, बट अब जिसके पास फोटोशॉप नहीं है वो ऐसे कर सकता है फ़ोन से, ठीक है। तो ये हो गया।
अब देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब ऊपर राइट कॉर्नर में एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर इसको क्लिक करके फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। अब फिर से उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ सीन आता है। अब नीचे चार ऑप्शन दे रहा है, एक बीजी कलर, बीजी मीन्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज, ट्रांसपेरेंट और फिल्टर। तो बैकग्राउंड कलर में आपको कोई अलग सा आपको कलर यूज़ करना है तो अपने मन से वो कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज में मीन्स आप अपने गैलरी से कोई भी इमेज उठाकर एज अ बैकग्राउंड पेस्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और थर्ड है ट्रांसपेरेंट, तो हमको ट्रांसपेरेंट यूज़ करना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दिए, अब इस इमेज को इनलार्ज कर दे थोड़ा सा। ओके, ये हो गया कुछ ऐसा। अब यहाँ पे ऊपर टिक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड हट चुका है पूरी तरह से। अब इसको सेव करना है, तो सेव करेंगे, ऊपर एक फ्लॉपी डिस्क टाइप का एक आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, इसमें PNG और हाई पे सिलेक्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये PNG में कन्वर्ट हुआ नहीं है कि नहीं हुआ है, वो उसको प्रूफ करने के लिए इस ऐप को हम, इस इमेज को हम पिक्सल आर पे खोलेंगे, ठीक है। तो चलिए पिक्सल आर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम पिक्सल आर को ओपन कर दिए। अब यहाँ से हम उस इमेज को ऐड करेंगे इसमें डबल एक्सपोजर की मदद से। यहाँ पे हम ऐड फोटो किए और यहाँ से इसको ऐड कर दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज जो है, इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये फ़ोटो हो गया PNG में कन्वर्ट। अब इसको हम शायद तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना, वो वहाँ पे भी अवेलेबल है, बट इसको आपको डाउनलोड करना है। नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, आपको वहाँ से इसको डाउनलोड करना है। तो ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इस ऐप में ऐसा बहुत सारा फीचर है जो कि पेड है, उसमें से ये भी फीचर जिसकी मैं भी बात कर रहा था, कैसे किसी भी इमेज को PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी पेड में आता है, ठीक है। तो इस फीचर को अवेल करने के लिए आपको या तो पूरा ऐप खरीदना पड़ेगा, ठीक है, या जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ लिंक वो क्रैक्ड वर्जन है, ठीक है, वो क्रैक्ड APK है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसके मदद से सारा फीचर जो है वो अवेल कर पाएंगे, सारा यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और वो बिल्कुल फ्री है। इस ऐप में ऐसी अमेजिंग फीचर्स है जो आपके फोटोग्राफी और अगर आप फोटो मैनिपुलेशन करते हैं तो उसके लेवल को काफ़ी इंक्रीज कर देगी, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ बस फ़ोन यूज़र्स के लिए, ठीक है। अगर आप फ़ोन यूज़र्स हैं तो ये ऐप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, ठीक है। तो इसकी फीचर्स को पूरी तरह जानने के लिए अगर आपको चाहिए कि मैं इस पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो मुझे आप बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये वीडियो चाहिए फुल वीडियो, तो मैं आपको बना के शेयर कर दूंगा। और ये जो ऐप है ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है, लाइटेक्स नाम है इस ऐप का। दैट्स इट। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ऐसे ही फोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।